2013 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन एफ है जिसका डोमेन 0 टू 1 है और उसका रेंज आर है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बी अ फंक्शन। सपोज द फंक्शन एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, यानी ये जो फंक्शन है ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और इसकी दो वैल्यू दे रखी है एंड पॉइंट पे, एफ जीरो इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू जीरो, एंड इट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन एफ डबल प्राइम एक्स माइनस कुछ कुछ दे रखे ग्रेटर देन और इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब ये जो मेरा फंक्शन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसमें दो पार्ट है, ये पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन है, दो पार्ट दे रखा है। पहले पार्ट में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट और ट्रिकी है। आईआईटी एग्जाम्स होने के बाद आईआईटी बोर्ड जो होता है वो अपना एक रिपोर्ट पब्लिश करता है और उसमें जनरली कभी कभी वो देता है कि किस क्वेश्चन को कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया। तो मैंने उस रिपोर्ट को देखा था और उसमें था कि हार्डली 10% ऑफ द स्टूडेंट्स वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो फंक्शन एफ है उससे रिलेटेड और उसके डबल डेरिवेटिव से रिलेटेड हमें एक इक्वेशन दे रखा है। वो क्या दे रखा है, एफ डबल प्राइम एक्स माइनस टू एफ प्राइम एक्स प्लस एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमें ये इनइक्वालिटी दे रखी है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ कि इस इनइक्वालिटी को मैं e टू द पावर x को उठाकर अगर इधर ले आऊँ तो ये मेरा e टू द पावर माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस e टू द पावर माइनस x f प्राइम डबल x माइनस दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये जो इनइक्वालिटी है इस क्वेश्चन में दे रखा है। अब इसके आगे क्या करें, इसके आगे आप लोगों को एक पॉइंट याद होगा कि एक्सपोनेंशियल एक बहुत ही खास किस्म का बहुत ही यूनिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की खासियत और उसका यूनिकनेस ये है कि अगर आप e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको e टू द पावर x ही मिलेगा। आप जितनी बार एक बार दो बार तीन बार डिफरेंशिएट करते जाएं तो e टू द पावर x जो है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा फंक्शन है कि उसको जितनी बार मैं डिफरेंशिएट करूं वो बेचारा e टू द पावर x जो है वो e टू द पावर x ही आ जाता है। सिमिलरली अगर आप e टू द पावर माइनस x की बात करें तो ये भी अच्छा है, ये भी डिफरेंशिएट होकर एग्जैक्टली e टू द पावर माइनस एक्स तो नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे माइनस आएगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव में प्लस e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा, फिर मैं तीसरी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो मैं जितनी बार डिफरेंशिएट करता जाऊं e टू द पावर एक्स तो वो e टू द पावर एक्स ही आता है, और e टू द पावर माइनस एक्स को भी मैं जितनी बार डिफरेंशिएट करूं तो e टू द पावर माइनस एक्स का टर्म तो आएगा ही, माइनस प्लस ऑल्टरनेट होता रहता है, किसके कारण, ये वाला जो माइनस एक टर्म है उसके कारण। तो क्वेश्चन में हमें एफ डबल प्राइम दे रखा है और साथ में एक इनइक्वालिटी दे रखा है जो e टू द पावर माइनस एक्स भी उसमें अटैच्ड है। तो इससे हमें एक हिंट मिलता है कि हम लोग एफ एक्स के टर्म्स में बात ना करके क्यों ना मैं एक नया फंक्शन लिख लूं जो मेरा e टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है। और ये हिंट आपको वैसे भी जब सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो देखकर आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में e टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स का जिक्र किया हुआ है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपको रीड करते ही आपके माइंड में एक आइडिया स्ट्राइक करना चाहिए कि मैं एफ एक्स को डिफरेंशिएट ना करके क्यों ना मैं एक नया फंक्शन ये e टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स लिखूं और इसको डिफरेंशिएट करूं। और इसको डिफरेंशिएट करने में फायदा ये होगा कि e टू द पावर माइनस एक्स मैं जानता हूं कि मैं जितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो e टू द पावर माइनस एक्स ही आएगा, केवल एक प्लस माइनस ऑल्टरनेट होता रहेगा इस माइनस के कारण। और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हो सकता है इससे कुछ मिलता जुलता, ये जो दे रखा है क्वेश्चन में इससे कुछ मिलता जुलता मेरे पास आ जाएगा। ये मेरा गेस है, गेस करने के सिवा हमारे पास और कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है। तो मैं एक गेस करता हूँ और ये मान लेता हूँ कि ये मेरा एक फंक्शन है एच एक्स, इसका मैंने नाम देता हूँ विच इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स। अब मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ दो बार तो देखिए क्या होता है। तो इसको जब मैं पहली बार डिफरेंशिएट करूंगा तो यह आ जाएगा एच प्राइम एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एफ प्राइम एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स और ये एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। सिंपल है डिफरेंशिएट करना। अब मैं इसको अगर मैं दूसरी बार डबल डेरिवेटिव लूँ तो क्योंकि ये दो टर्म है, दोनों टर्म में दो दो फंक्शन है उसका बेसिकली प्रोडक्ट है, तो हमें कितने चार टर्म टोटल आएंगे और वो क्या आएंगे, e टू द पावर माइनस एक्स एफ डबल प्राइम एक्स। उसके बाद मैं इसको एक बार और जब डिफरेंशिएट करूंगा इस वाले को तो आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स एफ प्राइम एक्स। अब जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस एक्स एफ प्राइम एक्स।
प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स। ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, ये आप प्रोडक्ट रूल को यूज करके आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए क्या है, हमारे पास चार टर्म है, लेकिन ये वाला टर्म और ये वाला टर्म तो दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, दोनों सेम है। और सारे टर्म में क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स तो हर टर्म में कॉमन है, तो उसको मैं उठाकर मैं बाहर ले लूंगा और इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो ये सब जो मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा एच डबल प्राइम एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, जिसको मैंने उठाकर बाहर अब कर दिया, इंटू एफ डबल प्राइम एक्स माइनस टू एफ प्राइम एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया मेरा एच डबल प्राइम एक्स। ये देखने में बहुत लंबा एक्सप्रेशन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। आप एच एक्स जो मेरा फंक्शन है ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स, इसको आप दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप यहां पर आ जाएंगे इस पॉइंट पे। तो जब मैं इस पॉइंट पे यहां पर आ गया तो अब देखिए मैंने क्या किया, ये मेरा एच डबल प्राइम एक्स ये आ गया, और ये एक्चुअली है क्या, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये कंडीशन दे रखा है। तो बेसिकली अब हमारे पास आ गया कि एच डबल प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो ये आ गया। तो अब इसका हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो देखिए जब भी कोई डबल डेरिवेटिव फंक्शन का ग्रेटर देन वन या पॉजिटिव या नेगेटिव हो, तो आपके माइंड में एक स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फंक्शन कॉन्वेक्स होगा कॉनकेव होगा, अगर आपको कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स का नाम याद रखना है तो, या आप उसके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी को याद रखिए कि अगर इस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये फंक्शन जो अपने दो कॉर्ड का जो एंड पॉइंट है उसके बीच में लाई करेगा। अभी मैंने इस चीज को समझाया था, तो अब देखिए उससे क्या होता है। तो मेरा फंक्शन एच एक्स क्या है, ये है ई टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, और हमने भी फाइंड कर लिया है कि मेरा जो एच डबल प्राइम एक्स है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, इसका मतलब एच डबल प्राइम एक्स जो है वो मेरा पॉजिटिव है। एच जीरो क्या होगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो एच जीरो मेरा जीरो होगा। उसी तरह मेरा एच वन क्या होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एफ जीरो इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इंप्लाइज दैट एच जीरो इज इक्वल टू एच वन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एच मेरा क्या है, ई टू पावर माइनस एक्स एफ एक्स है। तो अब ये बेसिकली अगर आप इसके दो एंड पॉइंट्स को लें तो ये क्या है, एक पॉइंट तो आपका जीरो जीरो होगा और दूसरा ये वन जीरो पे होगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप इसका कॉर्ड फंक्शन का ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड क्या होगा, ये बिल्कुल जो ये वाली लाइन है यही उसका कॉर्ड हो गया। और हमने भी दिखा दिया है कि एच डबल प्राइम इसका पॉजिटिव है, एच डबल प्राइम पॉजिटिव है, फंक्शन कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स हो गया इट मींस फंक्शन जो है वो अपने कॉर्ड के नीचे लाई करेगा, कॉर्ड के नीचे लाई करेगा, इसका मतलब एच ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो। और एच ऑफ एक्स क्या है मेरा, ई टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, और ई टू द पावर माइनस एक्स क्या होता है, ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये होल लेस देन जीरो है, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी और जीरो के बीच में लाई करता है। क्यों लाई करता है, कि देखिए इसमें क्रूशल पॉइंट क्या था, क्रूशल पॉइंट ये दिखाना था कि जो मैंने एक फंक्शन एच डिफाइन किया है वो उसका एच का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब फंक्शन इस तरह का कॉन्वेक्स बनेगा और ये जो इसका ये कॉर्ड है इसके ये बिलो लाई करेगा। कॉर्ड मेरा एक्स एक्सिस हो गया, तो फंक्शन क्या है वो एक्स एक्सिस के बिलो लाई करेगा, इसका मतलब एच ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, एच लेस देन जीरो है उसका मतलब एफ इज लेस देन जीरो। तो इसमें जो डी ऑप्शन है क्वेश्चन में वो सही होगा। क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ये है प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो अभी मैंने प्रूफ क्या कर दिया कि जो मेरा जो फंक्शन एच है वो हमेशा नेगेटिव होगा, और एच नेगेटिव होगा इसका मतलब एफ भी नेगेटिव होगा। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन, मैं मान लेता हूं कि कोई एक पॉइंट सी है जहां पे एच ऑफ सी इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यानी यहां पे कोई पॉइंट होगा। अब ये फंक्शन एच क्या है, ये एच फंक्शन कंटिन्यूअस है, डबल डिफरेंशिएबल है, तो कंटिन्यूअस है ये फंक्शन, तो ये स्टार्ट कर रहा है जीरो से, तो जीरो से स्टार्ट होकर होकर कहीं ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर वापस तो उसको वन जीरो पे आना ही है, ये वापस कहीं वन जीरो पे आएगा, ऐसा ये फंक्शन बनेगा। अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक हमने क्लोज डोमेन लिया है जीरो टू वन, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डीप थ्योरम होता है जो मैंने बताया भी था अपने क्लासेस में, कि कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन
अगर एक क्लोज्ड डोमेन पे हो, क्लोज्ड इंटरवल पे, तो वो उसका मैक्सिमम भी होगा और मिनिमम भी होगा। तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, आपने अज्यूम कर लिया कि एच ऑफ सी कोई ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन बताओ मुझे इसकी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो आप बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कहीं एंड पॉइंट तो नहीं है, तो मैं बोलूंगा एंड पॉइंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि एंड पॉइंट पे तो इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, और आपने अज्यूम कर लिया है कि आपका जो सी पॉइंट है कहीं बीच में, वहां पे इसकी वैल्यू जीरो से ज्यादा है, तो मैक्सिमम इसका कुछ होगा, मैक्सिमम या तो सी पे होगा या कोई सी वन पॉइंट है वहां पे जाकर ये मैक्सिमम अपना अज्यूम कर लेगा, कहीं पे भी करेगा, सी पे सी वन पे, लेकिन एक पॉइंट इस फंक्शन का एच का होगा जहां पर ये जाकर मैक्सिमम वैल्यू अपना अज्यूम करेगा, और वो एक इंटीरियर पॉइंट होगा, मतलब डोमेन के अंदर पे कहीं पे घुसकर एक पॉइंट होगा सी या सी वन, जहां पे मेरा ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब जैसे ही कोई फंक्शन का मैक्सिमम, अगर आपको मैं बोल दूं कि सपोज सी वन पे जाकर वो मैक्सिमम है और वो फंक्शन डबल डिफरेंशिएबल भी है, तो आप जानते हैं कि मैक्सिमा होने के लिए क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन को उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव को लेस देन जीरो होना पड़ता है। ठीक है, अब ये लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही ये कंडीशन दे रखा है कि एच डबल प्राइम जो है वो पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं वन से भी बड़ा है, तो ये तो कंडीशन हो नहीं सकता, ये कंडीशन नहीं हो सकता। इसका मतलब जो हमने अज्यूम किया था कि मेरा एच किसी एक पॉइंट पे पॉजिटिव होगा, वो मेरा रॉन्ग अजम्पशन था, रॉन्ग अजम्पशन था। इसका मतलब ये जो मेरा एच है वो हमेशा लेस देन जीरो रहेगा, एच लेस देन जीरो रहेगा, तो ये मेरा भी जो है एफ एक्स भी है वो लेस देन जीरो रहेगा, और ये जो हमने अजम्पशन किया था कि फंक्शन मेरा ऊपर चला जाए, ये कभी नहीं हो सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर डी है, माइनस इंफिनिटी लेस देन एफ एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या दे रखा है कि ये जो फंक्शन है e टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स, जिसको मैंने इस नाम से डिनोट भी कर दिया है एच ऑफ एक्स से, ये दे रखा है कि ये दिस फंक्शन अज्यूम्स इट मिनिमम इन द इंटरवल एट दिस पॉइंट x इज इक्वल टू 1/4। तो बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब देखिए, ये हमने एच ऑफ एक्स को तो ऐसे लिख दिया e टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स, और क्योंकि फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा की बात हो रही है, तो क्यों ना हम लोग उस फंक्शन को डिफरेंशिएट भी कर लें। और तो जब मैंने इसको एच प्राइम एक्स को फाइंड किया, तो ये आ गया e टू द पावर माइनस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट किया तो एफ प्राइम एक्स माइनस ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, और इसमें e टू द पावर माइनस एक्स को मैं कॉमन बाहर कर लूं, तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स एफ प्राइम एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एच डबल प्राइम एक्स है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू वन था, ये हमने निकाल लिया था। अब ये दे रखा है कि दिस फंक्शन अज्यूम्स इट्स मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो फंक्शन जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा ले, तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एच प्राइम 1/4 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां पे भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो तो, हमेशा याद रखना। क्योंकि अगर मैं सपोज इस तरह का कोई फंक्शन दे दूं जिसमें स्पाइक है, नुकीला है, तो यहाँ पे मैक्सिमा है लेकिन फंक्शन क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट पे एच प्राइम जीरो होने का सवाल ही नहीं है। उसी तरह अगर सपोज इस तरह का कोई फंक्शन है, मिनिमा है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि ये स्पाइक है, वो फंक्शन का वहां पे डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। लेकिन ये इस तरह का स्पाइक वाला फंक्शन तो एच नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन में ही दे रखा है कि ये जो एफ है मेरा ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, उसी तरह एच को मैंने दो बार डिफरेंशिएट कर लिया है। यानी अब देखो क्या दे रखा है कि एच डबल प्राइम पॉजिटिव है, तो एच डबल प्राइम पॉजिटिव है, एच डबल प्राइम क्या है, वो बेसिकली एक एच प्राइम जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एच प्राइम फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, आपका जो डबल डेरिवेटिव है एच डबल प्राइम ग्रेटर देन जीरो है। एच डबल प्राइम क्या है, डबल डेरिवेटिव ऑफ एच, डबल डेरिवेटिव ऑफ एच इसका मतलब में क्या है, जो मेरा एच प्राइम फंक्शन होगा इसका ये डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एच प्राइम, अब ये ग्रेटर देन जीरो है, तो एच प्राइम का डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो है। दिस इंप्लाइज दैट जो मेरा एच प्राइम फंक्शन है, एच प्राइम ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब मैं एच प्राइम को अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं, एच प्राइम एक्स को, तो क्या दे रखा है कि एच प्राइम एट 1/4 इज इक्वल टू जीरो, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि एच डबल प्राइम इज ग्रेटर देन जीरो। तो फंक्शन कुछ भी बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा,
ये मेरा एच प्राइम फंक्शन है, तो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। एच प्राइम 1/4 इज इक्वल टू 0 और एच प्राइम इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब हम आएंगे तो एच प्राइम मेरा लेस देन 0 होगा और यहाँ पे मेरा एच प्राइम ग्रेटर देन 0 होगा। बहुत सिंपल है। अब एच प्राइम था क्या, एच प्राइम एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एफ प्राइम एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। 0 से लेके 1/4 के बीच में ये नेगेटिव है और 1/4 से 1 के बीच में जाकर ये पॉजिटिव हो जाता है। तो जब नेगेटिव है, सपोज एच प्राइम एक्स इज लेस देन 0, इट इंप्लाइज दैट एफ प्राइम एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन 0। इट मीन्स एफ प्राइम एक्स इज लेस देन एफ एक्स, और ये किसके लिए वैलिड है, फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 1/4। कि हमने बस दो प्रॉपर्टी का यूज किया, एच प्राइम 1/4 0 होगा क्योंकि ये यहाँ पे मिनिमा है, और एच प्राइम एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका कर्व कुछ इस तरह का बनेगा। कर्व इस तरह का बनेगा तो इसका मतलब 0 से 1/4 के बीच में मेरा जो एफ प्राइम है वो एक नेगेटिव होगा, और 1/4 से आगे, अगर मैं 1/4 से आगे चला जाऊं तो एच प्राइम मेरा पॉजिटिव होगा, और एच प्राइम को हमने इस टर्म में लिख दिया है। अब याद रखिएगा कि जो ई टू द पावर माइनस एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो अगर पूरा ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो सब कुछ डिपेंड कर रहा है ये इस वाले टर्म पे, एफ प्राइम एक्स माइनस एफ एक्स पे। तो अगर आपके एच प्राइम एक्स को लेस देन 0 होना है, इसका मतलब आपको ये एफ प्राइम एक्स इज लेस देन एफ एक्स फॉर दिस वैल्यू, और इसका ठीक उल्टा हो जाएगा दैट एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 1/4। एच फंक्शन क्या था, जो एक नया फंक्शन हमने लिया, एच एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स। इस फंक्शन का मिनिमम है 1/4 पे, यहाँ पे इसका मिनिमम 1/4 पे है, और एच प्राइम मेरा जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इस तरह का इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा तो 1/4 पे 0 है तो 1/4 से पहले नेगेटिव होगा और 1/4 के बाद में पॉजिटिव होगा। जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे उस कंडीशन ये आएगा, एक्स लेस देन 1/4 के लिए ये कंडीशन हो गया और एक्स ग्रेटर देन 1/4 के लिए ये कंडीशन हो गया। तो ये वाला देखिए पार्ट सही है, एफ प्राइम एक्स इज लेस देन एफ एक्स फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 1/4, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। अब अगर सी करेक्ट ऑप्शन है तो बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सी और बी दोनों एक दूसरे का उल्टा है। उसी तरह ए और डी भी नहीं होगा क्योंकि हमने भी प्रूव किया कि एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर 1/4 के आगे अगर मैं चला जाऊं तो, और वैसे भी इस क्वेश्चन में केवल एक ही करेक्ट ऑप्शन था तो सी ही हो सकता है।